मोबाइल का डेंजर टेस्ट, इसमें लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपकी जेब में रखा हुआ, आपकी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका मोबाइल आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और उससे बचा कैसे जा सकता है। आपको बता दें कि मुंबई में भी मोबाइल यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। महानगरी में लोग धड़ल्ले से फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ भी रेडिएशन के चलते बीमारियों की संख्या में इजाफा भी हुआ है। मोबाइल यूजर्स की तादाद मेट्रोपॉलिटन सिटी में लगातार बढ़ती जा रही है। काम के आपाधापी और एक दूसरे से जल्द संपर्क साधने की चाह ने लोगों को मोबाइल की ओर तेजी से धकेल दिया है। महानगरी मुंबई का भी हाल कुछ ऐसा ही है, यहाँ भी मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन के चपेट में आकर आए दिन लोग बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। डॉक्टर्स का भी मानना है कि इससे निकलने वाले रेडिएशन से खतरनाक बीमारियां सामने आ रही हैं। कंटिन्यूस वो आवाज आती रहती, बातें करती रहती, दिमाग इस्तेमाल होते रहते हैं, तो सिर भारी, सिर दर्द, चक्कर, सुनने को भी कम आ सकता है। डॉक्टर्स ने मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। डॉक्टर्स का मानना है कि जिस तरह से लोग मोबाइल का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लोगों को गंभीर समस्याएं हो रही हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल कम और जरूरत के मुताबिक ही करना चाहिए। फोन का इस्तेमाल जो जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा इस्तेमाल करने से उसके साइड इफेक्ट होने ही होने हैं शरीर पे। और मेरा तो ऐसा दरखास्त है कि यूज एट अ प्रॉपर टाइम एंड यूज फॉर द राइट टाइम एंड नॉट ओवर यूज द वही लोगों का भी मानना है कि मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन उनके लिए बीमारी का सबब बन रही है, ऐसे में इससे दूर रहना चाहिए। ज्यादातर मोबाइल वैसे अपने जेब में रखते हैं जो हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, वो मतलब हार्ट को जो अपने ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं। मोबाइल हार्मफुल रहता है हेल्थ के लिए, ब्रेन एंड ईयर कैंसर कॉज होता है, पर इट इज आवर बेसिक नीड नाउ, वी कैन नॉट गो आउट विदाउट इट। मोबाइल आम से लेकर खास लोगों की जरूरत बन चुका है, ऐसे में लोगों का मानना है कि इसके इस्तेमाल के बगैर रह पाना कहीं भी मुमकिन नहीं है। हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, लेकिन वो यूज करना अभी नेसेसरी है, करना ही पड़ता है, उसके सिवा हम किधर बाहर भी नहीं जा सकते। जिस तरह से मोबाइल यूजर्स की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, ठीक उसी तरह से बीमारियों ने भी अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। कुछ सालों में जिस तरह से मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन के चपेट में आकर कई लोग गंभीर तौर पर बीमार पड़े हैं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में जरूरत है डॉक्टर्स के बताए सुझाव को ध्यान में रखकर मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करने की, जिससे कि अपने सेहत का ख्याल रखा जा सके। टीम न्यूज नेशन। तो कई बार ऐसा होता है कि अचानक आपका सर दर्द देने लगे या फिर कुछ और परेशानी आपको होने लगती है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि अचानक ये परेशानी हो क्यों रही है। हो सकता है उसके पीछे आपकी जेब में रखा हुआ मोबाइल ही हो। आपको बता दें कि मोबाइल के रेडिएशन पर रोकथाम लगाने के लिए ही नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं और ये नियम 1 सितंबर से लागू भी कर दिए गए हैं, जिसका जायजा लिया है दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक रावत ने। लोगों को मोबाइल के द्वारा होने वाले रेडिएशन से बचाने के लिए 1 सितंबर से टेलीकॉम कंपनी ने एक नया नॉर्म जारी किया है। इसके तहत बताया गया है कि जो भी मोबाइल अब्सॉर्ब से निकलेगा उसके पीछे सार लगा हुआ, सार यानी स्पेसिफिक अब्सॉर्प्शन रेट, जो बताता है कि आपके मोबाइल में कितना रेडिएशन है और कितना नहीं। लेकिन अभी तक जो मार्केट में जो मोबाइल उपलब्ध है उनमें कुछ मोबाइल को छोड़ के कुछ मोबाइल में सार जैसी चीज नहीं लगी होती, जैसे कि हमारे सामने इस समय दो मोबाइल है, दो अलग अलग कंपनी के मोबाइल हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे आपके मोबाइल जब आप बॉक्स खोलते हैं उसके पीछे ठीक इस तरीके का एक स्टिकर लगा होता है, जिसको सार कहते हैं, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, यानी ये बताता है कि आपके मोबाइल में कितना रेडिएशन है और कितना नहीं। वहीं दूसरे सेट की तरफ नज़र डालें तो इसके ना बॉक्स में आपको नज़र आएगा कोई सार का स्टिकर, ना ही इसके जो मोबाइल है उस पर। दूसरी चीज़ है, यहाँ हमारे साथ यहाँ पर मोबाइल का मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। फिर किस तरीके का स्टिकर होता है, क्या तो ये स्टिकर जो है इसमें रेडिएशन के बारे में बताता है किसमें कितना रेडिएशन अभी किसी ब्रांड में, और आने वाले टाइम में आपको सारे ब्रांड्स में ये स्टिकर मिलेगा, आपको रेडिएशन का पता लग पाएगा कितना आ रहा है। इसके लिए आपको इसकी बुक आएगी, आपको उसमें चेक कर सकते हैं कितना रेडिएशन आ रहा है एवरेजिंग, इसके बारे में बुक से पता लग गया इसमें कितना लिखा गया है इसमें कम है मॉडल में, लेकिन मॉडल जो आते हैं उसमें कम ज़्यादा तो होता रहता है, स्मार्टफोन में ज़्यादा भी होता है रेडिएशन, बट आने वाले टाइम में हर स्मार्टफोन में ये स्टिकर लगा हुआ आएगा, जैसे इसमें नोकिया में आ रहा है, उससे आपका रेडिएशन कितना है वो बुक में ही पर्टिकुलर लिखा आता है, इसकी नॉलेज सभी मिलती है जब बुक में आते हैं। उन्होंने कहा है कि जो सार जो स्टिकर होता है मोबाइल के पीछे जो रेडिएशन के बारे में बताता है कि आपके मोबाइल में कितना रेडिएशन है, वहीं अगर इस सार के स्टिकर के बारे में जानना हो तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा।
तो अगली बार आप जब मोबाइल लेने जाएं तो SAR यानी कि सार जरूर चेक करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए, आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। हमारे साथ नेहा कुमार लगातार बनी हुई है जो कि रेडिएशन एक्सपर्ट है। नेहा जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों को परेशानी हो रही है, मोबाइल से कम बात करना चाहिए, मोबाइल को दूर रखना चाहिए, लेकिन क्या टावर की इसमें भूमिका रहती है? टावर के करीब रहने से क्या मोबाइल पे जो रेडिएशन है वो कम या ज्यादा होता है? हाँ, इनफैक्ट एक आपने जैसे बोला मोबाइल फोन और दूसरा होता है मोबाइल टावर का रेडिएशन। मोबाइल टावर का रेडिएशन तो और भी ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि मोबाइल फोन तो स्टिल मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं दिन में आधा घंटा यूज करूँ या 15 मिनट 1 घंटा यूज करूँ, मेरी पर्सनल चॉइस है। और जो लोग घर के सामने जिनके मोबाइल टावर है वो तो ऑलमोस्ट 24/7 राउंड द क्लॉक एक्सपोज रहते हैं, तो उसका रेडिएशन जो है वो बहुत ही हाई होता है और उससे लोगों को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन नेहा जी, मेरा सवाल ये है कि क्या मोबाइल के रेडिएशन पर इसका असर पड़ता है? अगर वो टावर के करीब है कोई पर्सन या टावर से दूर है, उसके मोबाइल पर नेटवर्क कम आ रहा है, तो क्या उसके मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन पर इसका असर पड़ेगा? Yes, इसमें एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि आपके मोबाइल फोन पे जब बहुत कम सिग्नल हो, जैसे एक या दो बार ही अगर हो, तो उस टाइम क्या होता है कि मोबाइल फोन ज्यादा रेडिएशन छोड़ता है ताकि उस नेटवर्क को वो पिक कर सके बेसिकली। तो उस टाइम पे जैसे एलिवेटर्स में आपको लिफ्ट के अंदर और जहाँ पे सिग्नल अगर बहुत ही कम है तो आपको वहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम फोन ज्यादा रेडिएशन छोड़ता है। तो आपको उस टाइम पे नहीं बात करनी चाहिए, आपको जनरली तभी बात करनी चाहिए जब आपका मोबाइल फोन पे फुल बार हो। और आपका जो गवर्नमेंट का गाइड, जो ऑपरेटर्स और जो टावर जो छोड़ता है जनरली उस रेडिएशन में और जो आपका मोबाइल फोन को चाहिए उसमें बहुत डिफरेंस है। आपका मोबाइल फोन -80 dB पे भी आपको चारों बार देगा और जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है वो -30 है। तो -80 और -30 के बीच में जो डिफरेंस होता है ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम्स का होता है। मतलब आपके फोन को जितना रेडिएशन चाहिए, अगर उस फोन पे अगर 1 लाख ज्यादा भी उस रेडिएशन अगर उस एरिया में है तो भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सेफ है। प्रॉब्लम तब आती है जब रेडिएशन उससे भी ज्यादा अगर होती है, तो अगर -30 के ऊपर अगर रेडिएशन जाती है तो वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ नहीं होता है, उसके बाद में रेडिएशन के हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। नेहा जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आप हैंड्स फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लूटूथ का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं दोगुना खतरनाक हो जाता है सामने वाले व्यक्ति के लिए। ऐसे में अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है, गाड़ियों में ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं जिससे वो म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है मोबाइल, तो क्या उस जरिए से भी अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसे मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से वो अपने आप को बचा रहा है या वो अपने आप को उस ओर और धकेल रहा है? डेफिनेटली बचा नहीं रहे हैं, क्योंकि ब्लूटूथ जो है वो भी इनफैक्ट उस टाइम आपका कंटिन्यूस ऑन रहता है। इनफैक्ट घर जो गाड़ी में होता है वो तो कंटिन्यूस ब्लूटूथ रहता है, तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कम से कम मोबाइल फोन अगर आता तो जब मोबाइल आता है फोन पे बात करते हैं खाली उसी टाइम पे, मेजोरिटी मेजर ट्रांसमिशन उस टाइम हो रहा है। अभी तो आपका ये ओपनली पूरे टाइम ब्लूटूथ का ट्रांसमिशन है, तो वो बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो दिस इज नॉट सेफ फॉर हेल्थ। नेहा जी, आपने बता दिया, एक तरीके से ये किसी को भी सुनकर डर जरूर लगेगा, जिस तरीके से मोबाइल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन ये सच है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि मोबाइल को तकिए के नीचे नहीं रखना चाहिए, ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपने शरीर से दूर रखा जाए, तो क्या कोई मेजरमेंट होता है कि कम से कम शरीर से इतने दूर हो? खासतौर पर अगर सोते वक्त की बात की जाए तो अगर मोबाइल नजदीक ना रखा जाए तो कितने फीट की दूरी पर या कितनी दूरी पर उसे रखना चाहिए? आप मोबाइल फोन को अगर आप लिविंग रूम में रखिए और अपने रूम में सोइए तो बेस्ट चीज है वो, लेकिन अगर आप फिर भी अपने से दूर रखिए, आप एटलीस्ट 2 फीट अपने से दूर रखिए तो वो बेटर होता है। तो आप 2 फीट दूर रखिए अपने आप से तो बेटर है उस टाइम पे। और दूसरा, इनफैक्ट यंग बच्चे जो है, छोटे बच्चों को जनरली यूज नहीं करना चाहिए मोबाइल फोन, क्योंकि उनके को उनको रेडिएशन का और भी ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनका ब्रेन जो होता है वो पतला होता है तो उनका रेडिएशन पेनिट्रेशन ज्यादा डीप होता है। जैसे अगर मैं मोबाइल फोन पे बात कर रही हूँ तो एक अडल्ट के लिए रेडिएशन जो है ऑलमोस्ट 25% तक आपके ब्रेन के अंदर जाता है, एक 10 साल के बच्चे के लिए ऑलमोस्ट 50% तक जाता है और एक 5 साल के बच्चे के लिए ऑलमोस्ट 75% जाता है। मतलब आपको ऑलमोस्ट आपका 75% तक रेडिएशन अंदर जा रहा है जो बहुत हार्मफुल है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उनका ब्रेन पतला होता है इसलिए रेडिएशन ज्यादा डीप तक जाता है। दूसरा चीज, उनको अगर बॉडी में म्यूटेशन, हमारे बच्चों में जो होता है
उनके सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते हैं, तो अगर कोई म्यूटेशन होता है या अगर कोई कैंसर सेल अगर जनरेट भी अगर होता है तो वो भी बेसिकली म्यूटेशन भी आपका इनहेंस होगा, तो उनको कैंसर का इंक्रीज जो है वो भी कैंसर का जो रिस्क है वो भी उनको ज़्यादा होता है। तो बच्चों को स्पेसिफिकली ज़्यादा मोबाइल फोन्स नहीं यूज़ करना चाहिए, ओनली इमरजेंसी में एंड प्रेगनेंट वुमन के लिए भी ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी उनको यूज़ करना चाहिए। जी नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी एक और चीज, जैसे इंडिया में हम उतना आप बोल रहे थे, जी जी बताइए नेहा जी आप क्या कह रही थी। एक और चीज बताऊंगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो सेल फोन रेडिएशन है उसको एक पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजन बताया है 31 मई 2011 को, और ये रिपोर्ट आपकी इंटरनेट में हर जगह अवेलेबल है। तो अगर जैसे कंपनीज बोलती है कि रेडिएशन से प्रॉब्लम नहीं है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको क्लास 2B मतलब पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजन क्यों बता रही है? उन्होंने तो ये नहीं बोला कि कार्सिनोजेनिक नहीं है, वो तो बोल रहे हैं कि पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजन है। तो इतनी सब सेफ्टी के मतलब इतने सारे इंस्ट्रक्शंस मिलने के बावजूद आपका मोबाइल फोन खुद बोलता है कि जो भी गाइडलाइंस है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्सपोजर के लिए है, लॉन्ग बिल्कुल शॉर्ट टर्म एक्सपोजर के लिए है, यानी इसका कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से मोबाइल रेडिएशन आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बहरहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।